देखते हैं आज इंडस्ट्री जी के कमेंट नंबर 4 में जो आपको प्रॉब्लम दिया था उसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम ऐसा था, द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इज 100 यूनिट्स पर डे, ऑर्डरिंग कॉस्ट रुपीज 400 पर ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो, पर डे डिमांड आपको दिया 100 यूनिट्स दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट रुपीज 400 पर ऑर्डर दिया, कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ रुपीज 8 पर यूनिट फॉर 100 डेज यहाँ पे दिया हुआ है। इफ डिलीवरी लीड टाइम इज 13 डेज, लीड टाइम का वैल्यू भी दिया आपको 13 डेज। आपसे पूछा कंसिडरिंग ए ओ क्यू मॉडल द री ऑर्डर लेवल इन नंबर ऑफ यूनिट्स, आपको री ऑर्डर बताना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बताना है, राइट। देखते हैं क्या होगा। तो बेसिकली आपको री ऑर्डर लेवल बताने के लिए, अगर मैं री ऑर्डर लेवल की बात करता हूँ, वट इज द वैल्यू ऑफ री ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर पॉइंट इन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये फॉर्मूला होता है लीड टाइम रिप्रेजेंटेड बाई टी एल, लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाई आर, जहाँ पे आर का मतलब होगा कंजप्शन रेट होगा। तो यहाँ पे देखो आपको R का वैल्यू दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, कंजप्शन रेट दिया है इन टर्म्स ऑफ 100 यूनिट्स पर डे दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 यूनिट्स पर डे हो गया है। आपको F का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज रुपीज 400 पर ऑर्डर आपको दिया है, 400 पर ऑर्डर आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ C का वैल्यू भी दिया हुआ है, रुपीज 8 पर यूनिट, रुपीज 8 पर यूनिट पर 100 डेज आपको दिया हुआ है, पर 100 डेज आपको, ये तीन डेटा दिया है। साथ ही साथ लीड टाइम TL का वैल्यू दिया हुआ है 13 डेज यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या होगा। आपको आरओपी यहाँ पे निकालना था। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने सही रिप्लाई किया है, सही बनाया, उनका अप्रोच भी एकदम सही है, आंसर भी सही है, बट कुछ स्टूडेंट लोगों ने क्या किया, मिस्टेक किया है। देखते हैं कहाँ पे उन लोगों ने मिस्टेक किया, उस मिस्टेक को नहीं करना। सबसे पहले वो मिस्टेक देखेंगे क्या किया, उन लोगों ने डायरेक्ट क्या किया है, आरओपी टीएल मल्टीप्लाइड बाई आर ये वाला फॉर्मूला लगाया उन्होंने, और कैसे बनाया उसको, टीएल का वैल्यू जो होगा यहाँ पे वो ऐसा कर दे रहे हैं, बोलो टीएल 13 दिया हुआ है, आर का वैल्यू यहाँ पे 100 दिया है, और ये आ जा रहा आंसर 1300 यूनिट्स आ जा रहा है। कुछ लोगों ने इस टाइप से बनाया है इसको, और ऑप्शन बी वहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी सही है, बट एक्चुअली ये गलत है, ये सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं बनाना चाहिए। देखेंगे इसका राइट वे कैसा होता है सॉल्व करने का। तो राइट वे ऐसा होगा कि यहाँ पे देखो, बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है आरओपी का टीएल मल्टीप्लाइड बाय, बेसिकली फॉर्मूला पढ़ते हैं, बट ये फॉर्मूला कब वैलिड है, अगर बात करूंगा ये फॉर्मूला कब वैलिड है टीएल मल्टीप्लाइड बाय आर, तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका लीड टाइम का वैल्यू जो होना चाहिए वो साइकिल टाइम से स्मॉलर होना चाहिए या अप टू साइकिल टाइम होना चाहिए, उसके बाद वैलिड नहीं होता है, राइट। अगर आपका लीड टाइम का वैल्यू अगर साइकिल टाइम से अगर ग्रेटर देन हो जाता है, उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला सिर्फ इस वाले कंडीशन के लिए वैलिड है, टी एल मल्टीप्लाइड बाई आर ओपी का। तो ऐसे कंडीशन में इस वाले फॉर्मूले को देखेंगे कैसे कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर देखो आपको एफ और डी ये दो चीज़ का, एफ और सी ये दो चीज़ का वैल्यू भी आपको दिया हुआ था। वैसे कंडीशन में आपको सोचना था क्या ये डेटा एक्स्ट्रा दिया है जिसका कोई काम नहीं है, या फिर इस डेटा का कोई यूज़ होगा, तो यूज़ होगा इस डेटा का। सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आरओपी जो होता है, रीऑर्डर पॉइंट जो होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका लीड टाइम जो है वो साइकिल टाइम से लेस है या साइकिल टाइम से ग्रेटर देर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले साइकिल टाइम निकालते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइकिल टाइम। तो साइकिल टाइम का फॉर्मूला टी जो होगा दैट इज इक्वल टू क्यू बाई आर, जहाँ पे आप क्यू को ईओ क्यू बोल सकते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाई आर बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ डेज बोलोगे यहाँ पे। तो ईओ क्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईओ क्यू, तो अगर मैं डिमांड का वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिमांड फॉर 100 डेज, बिकॉज अगर सी का वैल्यू अगर 100 डेज में दिया है तो डिमांड भी 100 डेज में होना चाहिए। तो एक दिन का 100 है, 100 डेज का डिमांड हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 डेज दैट इज 10,000 यूनिट्स फॉर 100 डेज, फॉर 100 डेज, 100 डेज का डिमांड आपके पास आ गया है 10,000 यूनिट्स। आपके पास एफ का वैल्यू है, आपके पास सी का वैल्यू, डी का वैल्यू है, इसको सब्स्टिट्यूट करके अगर मैं ईओ क्यू का वैल्यू निकालता हूँ, ईओ क्यू दैट इज अंडर रूट 2DF डिवाइडेड बाई सी, जहाँ पे एफ जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी कैरिंग कॉस्ट, डी इज द डिमांड हो जाएगा। अब इन सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, डी का वैल्यू, एफ का वैल्यू और सी का वैल्यू, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ईओ क्यू आ जाएगा आपके पास, राइट, 1000 यूनिट्स आ जाएगा आपके पास ईओ क्यू। इस 1000 यूनिट्स को आप यहाँ पे रखिए, तो साइकिल टाइम टी का वैल्यू जो आने वाला है आपके पास, 1000 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू आपके पास यहाँ पे 100 है, दैट इज टी जो आ रहा है आपके पास आ रहा है 10 डेज आ रहा है, यानी आपका जो साइकिल टाइम है वो आ रहा है 10 डेज का आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे साइकिल टाइम 10 डेज है, लेकिन लीड टाइम जो दिया हुआ है वो साइकिल टाइम से ग्रेटर देन दिया है, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है जो जनरली आप यूज करते हो, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका लीड टाइम जो होना चाहिए वो साइकिल टाइम से कम होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे आप देखो लीड टाइम जो है आपका 13 डेज है, जो कि साइकिल टाइम से कैसे बताना ग्रेटर देन हो गया है। अगर मान लो मैं इस टाइप का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, राइट, ग्राफ प्लॉट करूंगा इन्वेंट्री वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ, यहाँ पे इन्वेंट्री ले रहा हूँ, एक्सिस पे टाइम ले रहा हूँ, मॉडल नंबर 1 ईओ क्यू मॉडल जनरली इस टाइप से बनाते हैं, ये इस टाइप से मॉडल बनाया जाता है, ये आप ऐसे यहाँ पे मॉडल बना रहा हूँ लाइक दिस। मान लो यहाँ पे अगर ऑर्डर आपको रिसीव करना है, मान लो यहाँ पे आप फर्स्ट वाला ऑर्डर रिसीव करोगे, यहाँ पे सेकंड वाला ऑर्डर रिसीव करोगे, यहाँ पे थर्ड वाला ऑर्डर रिसीव करोगे। मान लो अगर एक पॉइंट लेता हूँ, सपोज सी लेता हूँ, जहाँ पे आप थर्ड वाला ऑर्डर रिसीव करोगे यहाँ पे, तो आपको कहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है, कितने दिन पहले प्लेस करना है, तो आपको 13 डेज पहले आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज लीड टाइम कितना है 13 डेज का आपको दिया हुआ है। तो आप देखोगे साइकिल टाइम जो आपका है वो कितना बताना, साइकिल टाइम आपको हो रहा है यहाँ पे 10 डेज का आपका साइकिल टाइम हो रहा है,
टी इक्वल टू 10 डेज यहाँ पे आपका साइकिल टाइम हो रहा है, आपको 3 दिन और पहले यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, ये 3 डेज और यहाँ पे आप ले लोगे, ये हो जाएगा थ्री डेज यहाँ पे हो गया। तो ये लीड टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक और ये आ जा रहा है आपके पास TL, आ जा रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लीड टाइम। आप देखोगे यहाँ पे लीड टाइम 13 डेज का है, बट अगर आप यहाँ पे ये सी जो है पॉइंट ऑफ राइट थर्ड ऑर्डर यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर रिसीव्ड है, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर रिसीव्ड, अगर आप थर्ड ऑर्डर यहाँ पे रिसीव करना चाहते हो राइट, वैसे कि इसमें आपको इस वाले पॉइंट पे सी डैश पे यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे, थर्ड ऑर्डर प्लेस्ड यहाँ पे आपको थर्ड ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तभी आप आफ्टर 13 डेज आप थर्ड ऑर्डर क्या करोगे रिसीव, बिकॉज इस वाले पॉइंट पे आप फर्स्ट ऑर्डर रिसीव करोगे, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिसीव करोगे, यहाँ पे थर्ड, बिकॉज एवरी साइकिल के स्टार्ट पे आपको एक ऑर्डर क्या करना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है उसके हिसाब से यहाँ पे। तो आप देखोगे जिस दिन आप प्लेस कर रहे हो, जिस दिन आप प्लेस कर रहे हो और साइकिल के एंड में जो टाइम ड्यूरेशन बाकी है वो सिर्फ 3 डेज का टाइम ड्यूरेशन बाकी है, तो आपका जो लीड टाइम जो है इफेक्टिव लीड टाइम, बिकॉज अगर मान लो इस वाले पॉइंट को मैं बी ले लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को ए ले लेता हूँ, तो ये जो बी वाला पॉइंट है यहाँ पे, बी वाले पॉइंट पे आप, मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, ये बी वाले पॉइंट पे ना सेकेंड ऑर्डर रिसीव हो जाएगा आपका राइट, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिसीव, तो यहाँ पे आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिसीव्ड हो जाएगा। तो जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और जिस दिन साइकिल कंप्लीट हो रहा है उसके बीच का गैप जो है सिर्फ 3 डेज है, ना कि 13 डेज है यहाँ पे, इसका मतलब आपका इफेक्टिव, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लीड टाइम, तो इफेक्टिव TL का वैल्यू जाएगा, लीड टाइम आएगा वो आपके पास 3 डेज का आएगा, 13 डेज का नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, जिस दिन साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप सिर्फ 3 डेज का है, 13 डेज का नहीं है यहाँ पे। तो वैसे कंडीशन में अगर आपको रीऑर्डर पॉइंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आप ले सकते हो इफेक्टिव लीड टाइम दैट इज 3 डेज आप यहाँ पे ले सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई डिमांड पर डे, तो डिमांड पर डे आपके पास है यहाँ पे 100 यूनिट्स पर डे यहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे तो रीऑर्डर पॉइंट जा जाएगा आपके पास आ जाएगा 300 यूनिट्स आ जाएगा। सो 300 यूनिट्स जो हो गया ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया, पर एक चीज़ मैं और डिस्कस करूंगा राइट, देखते हैं यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो इसका आंसर जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए, दैट इज 300 यूनिट्स जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। बट अब मैं एक चीज़ और डिस्कस करूंगा, मान लो यहाँ तो मैं 13 डेज दिया था आपको, लीड टाइम इज 13 डेज, मान लो अगर 13 से ज़्यादा देता, सपोज करो लीड टाइम मैंने अगर आपको दे दिया है 13 से ज़्यादा, सपोज आपको मैंने दे दिया 45 डेज दे दिया है, सपोज TL का वैल्यू मैंने आपको दे दिया 45 डेज दी, तो आपको साइकिल काउंट करना पड़ेगा कितना हो जाएगा। अगर मान लो 45 डेज दे देता हूँ यहाँ पे, 45 डेज दे दिया TL का लीड टाइम का वैल्यू, तो वैसे कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, साइकिल काउंट करना पड़ेगा, क्या है साइकिल। तो इसका फॉर्मूला आप ऐसा भी याद सकते हो, रीऑर्डर पॉइंट कैसे याद सकते हो, दैट इज आप ऐसा बोल सकते हो इफेक्टिव लीड टाइम अगर निकालना है आपको तो वैसा हो जाएगा, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ TL माइनस greatest integer function of TL by T multiplied by T और इसमें मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा कंजप्शन रेट हो जाएगा R हो जाएगा आपके पास। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, मान लो अगर 45 लेता हूँ, TL का वैल्यू 45 और T का वैल्यू आपके पास 10 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि अगर ये डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बताना, 4.5 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है फ्रॉम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स कि पॉइंट से पहले वाले टर्म को आप लेते हो दैट विल बिकम 4, अगर ये 0.5 हो, 0.6 हो, 0.7 हो, 0.2 हो, 0.1 हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, पॉइंट के पहले वाले ही आपको खाली लेना होता है, तो आप यहाँ पे 4 ले लोगे। तो इस फॉर्मूले में अगर आप रखते हो तो ऐसे केस में TL कितना बताना, 45 डेज आपको दिया हुआ है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आ गया बताना आपको 4 आ गया है, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई टी का वैल्यू साइकिल टाइम 10 डेज है यहाँ पे और मल्टीप्लाइड बाई आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे बताना 100 है यहाँ पे। तो वैसे केस में कितना हो जाएगा, 45 माइनस 40 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो आपका कितना आ जाएगा बताना राइट, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 500 यूनिट्स आ जाएगा यहाँ पे, 500 यूनिट राइट आंसर। अगर 45 डेज आता है TL इसी प्रॉब्लम में, अगर TL अगर 45 डेज करते तो आंसर कितना आ जाएगा 500। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला आपके पास हो गया जो सभी पॉइंट पे वैलिड है, वैलिड एवरीवेयर, चाहे वो TL का वैल्यू कुछ भी हो, वैलिड एवरीवेयर ये फॉर्मूला जो होगा सभी पॉइंट पे वैलिड होगा, चाहे वो आपका TL का वैल्यू चाहे वो ग्रेटर देन T से हो तभी वैलिड है, TL का वैल्यू लेस देन T है या TL का वैल्यू इक्वल टू T है, कहीं पे भी हो वैलिड एवरीवेयर ये फॉर्मूला सब जगह वैलिड होगा राइट। तो आप इसे ध्यान रख सकते हो, ध्यान देना है ये जो ब्रैकेट टाइप का लगाया हूँ यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका ग्रेटेस्ट इसका मतलब होता है सिर्फ पॉइंट से पहले वाले टर्म को हम यहाँ पे लेते हैं, पॉइंट के बाद चाहे कुछ भी लिखा हो उसको हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, पॉइंट के पहले वाले को लेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बना ली ताकि हर जगह वैलिड है, आपका TL का वैल्यू कुछ भी आए, ग्रेटर देन आए, लेस देन आए या एग्जैक्टली इक्वल टू आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखो कि प्रॉब्लम क्या, बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी प्रॉब्लम था यहाँ पे, बिकॉज बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि ये फॉर्मूला जो पढ़ लिया गया है TL मल्टीप्लाइड बाई R वैलिड एवरीवेयर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हर जगह वैलिड नहीं होता है,
वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन वैलिड होता है जहाँ पे टीएल जो है लेस देन टी होना चाहिए, साइकिल टाइम से छोटा होना चाहिए। यानी जहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे ऑर्डर करना चाहते हो तो आपका लीड टाइम यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यानी इस साइकिल के अंदर ही आपको होना चाहिए लीड टाइम, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है ना साइकिल के अंदर होना चाहिए। बट साइकिल क्रॉस कर गया तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला बन गया, एवरीवेयर वैलिड, सभी जगह वैलिड होगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए और क्वेश्चंस को जब भी आप गेट एग्जाम में पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा नोट पॉइंट और ध्यान रखें। कभी भी जब एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ होता है प्रॉब्लम में, इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमेशा वो यूजलेस डेटा है, आपके किसी काम का नहीं है। कई बार आपको थोड़ा सोचना ही पड़ता है गेट एग्जाम में कि क्या जो डेटा दिया है सही में यूजलेस है, मेरे किसी काम का नहीं, या फिर उस डेटा का कुछ काम है। अगर उस डेटा का थोड़ा भी अगर मान लो आपको लगता है यूजफुल डेटा है, थोड़ा पर्पस है, या कुछ कोरिलेट आप करके देख सकते हो, तो डेफिनेटली आप देखिए क्या वो डेटा मेरे आंसर को चेंज कर देगा क्या। अगर चेंज कर देगा तो उसको यूज़ करेगा। ओके, थैंक यू।